प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, बड़ी खुशी है कि हमारे निजानंद संप्रदाय में विज्ञान की टेक्नोलॉजी के साथ हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। और उसी सिलसिले में अगर देखा जाए तो स्वामी श्री राजन स्वामी, जिन्होंने प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसा में स्थापना की है, उसके माध्यम से हमारे स्वरूप साथ के हर एक पन्ने का टीकाकरण हो गया है और एक वेबसाइट पर वो उपलब्ध भी है, फिजिकली भी उपलब्ध है। और उससे एक कदम और आगे बढ़ करके वेबसाइट को अपग्रेड किया है, जिससे हम वेबसाइट पर उसको अलग किस्म से देख सकते हैं। अगर मैं एक शब्द देखना चाहता हूँ श्री राज जी, तो श्री राज के कहते ही जितनी भी चौपाइयाँ श्री राज पे शुरू होती है वो सब एनलिस्ट हो जाएगी। ऐसे हवे ऐसा शब्द बोला तो हवे की जितनी भी चौपाइयाँ हैं वो एक साथ में एनलिस्ट हो जाएगी, तो हमें चौपाइयाँ ढूंढने में कभी तकलीफ नहीं पड़ेगी। दूसरा एक तरीका ये भी है कि कोई भी चैप्टर हो और उस चैप्टर के अंतर्गत हम समझो कि खुलासा, और खुलासा में पांचवा अध्याय पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसमें ये डालें कि हमें खुलासा पांच चैप्टर, तो वो खुलासा का पांचवा चैप्टर आ जाएगा, बहुत सुविधा। तीसरी एक बात है, अगर आप ये कहे कि ये पढ़ना मेरे से थोड़ा मुश्किल है, तो आप उसको बोले और अर्थ घटन करके समझाए तो वो चौपाई बोली जाएगी और अर्थ घटन करेंगे। और उससे भी आगे ये हमारा साइंस डेवलप हो गया है, जिसका उपयोग ये अपग्रेडेड वेबसाइट पे किया गया है, उसमें 109 लैंग्वेज में हम उसको सुन सकते हैं। अगर हम गुजराती ठीक नहीं जानते हैं और हमें हिंदी में सुनना है, उर्दू में सुनना है, अरबी में सुनना है, पंजाबी में सुनना है, तो हम उसे सुन सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी भाषा का आदमी हो, सुंदर साथ हो या गैर सुंदर साथ हो, जिसको धर्म से लगाव है, वो धर्म को, निजानंद संप्रदाय को ठीक से समझने के लिए ये स्वरूप साहब को पढ़ना चाहता है, वितक साहब को पढ़ना चाहता है, तो वो अपनी लैंग्वेज में उसको पढ़ सकता है, सुन सकता है। और हमारा मकसद ये है कि ये प्राणनाथ जी की वाणी लोगों के घर घर तक जाए, उनके दिलों तक जाए, उनके दिमाग तक जाए और उनके जीवन में परिवर्तन आए। ये जो संघर्ष हो रहा है एक दूसरे को नहीं समझने के कारण, भाषा और भेष के कारण, वो सब झगड़ा समाप्त अगर करना है, ये आतंक को समाप्त करना है, तो ये प्राणनाथ जी की वाणी को हर घर, हर देश, हर ज्ञाति तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और ऐसा अति आवश्यक काम सरसावा के श्री प्राणनाथ ज्ञान के पीठ द्वारा हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद सिर्फ राजन स्वामी को ही नहीं, मगर उन्होंने जितने भी विद्वान तैयार किए, अपने स्टूडेंट्स को तैयार किए, जो खुद ये संस्था चलाते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को, जैसे अशोक जी है, श्रीकांत जी है, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये टीम वर्क है। और ऐसा टीम वर्क राजी महाराज हमेशा बनाए रखे और हम इससे भी ज़्यादा काम आगे करते रहे। ये ज्ञान पीठ के द्वारा पन्ना में भी काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इसकी और शाखाएँ भी बढ़ती जाएगी, जैसे नेपाल है, आसाम है और हमारे दूसरे जो स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें भी ये शाखाएँ बढ़ती जाएगी और सब ये प्राणनाथ की वाणी को समझेंगे और उस रास्ते पर चल करके अपना जीवन परिवर्तित करेंगे, अपना सोचने का नजरिया बदलेंगे और जीवन से खुशहाल रहेंगे। सभी को ये उम्मीद के साथ मैं प्रणाम करता हूँ और श्री राजन स्वामी और उनकी पूरी टीम को
श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की ओर से धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और इस काल में जितनी भी इच्छा है उतना सहयोग मिलता रहेगा और साथ ही में इसका उपयोग भी अच्छा होता रहेगा। इसी कामना के साथ सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, 21वीं सदी चल रही है, पूरा विश्व डिजिटल हो रहा है। ऐसे में मैं समझता हूँ आज का युवा गूगल में सर्च करके अपना ज्ञानवर्धन कर रहा है और नई नई खोजें उसी गूगल में ढूंढता रहता है। उसका अधिक समय मोबाइल पर रहता है। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं खोजने के, उसमें युवा पीढ़ी और आने वाला जनरेशन वो भी इसी तरफ इसी दिशा में जाएगा। ऐसे वक्त में हमें भी अपनी वाणी के प्रचार प्रसार में कुछ करना होगा। इस दिशा में काम हो रहा है और आज हमें खुशी है, गर्व है कि हमारी वाणी तारतम वाणी और लालदास जी कृत बीतक, इन दोनों का टीका और गूगल पर अपलोड हो गया है और उसमें सारी चौपाइयाँ पूरे विश्व की लगभग 108 भाषाओं में अनुवाद हो गया है। खुशी की बात है। इस तरह जो विश्व में हम अब चाहे जिस देश में चाहे जिस देश की भाषा कोई भी हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, कुछ भी हो, सभी भाषाओं में मैंने जैसे बताया 108 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और हम इन भाषाओं में वाणी की हर चौपाई का अनुवाद टीका पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और इस काम को आगे बढ़ाया है अपने श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के सुंदर साथ ने। कई लोगों ने इसमें अथक प्रयास किया है तब ये जाकर के सफलता मिली है और इस काम को जिनने भी किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। और ऐसा गूगल में सर्च करने के लिए जिनके मोबाइल में हिंदी लिखने की सुविधा नहीं है, वे ऊपर दिए गए ऑप्शन में जाकर अपने फ़ोन में गूगल इंडिक कीबोर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और करने के बाद लिंक में जाकर के शब्द को सीधा अंग्रेजी में लिखकर हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इस प्रकार तारतम वाणी की 14 किताबों को किसी भी भाषा में 18,758 चौपाइयाँ सर्च करके अथवा उनके प्रकरण अनुसार अथवा चौपाई नंबर के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। वाणी की चौपाई है, वचन हमारे धाम के फैले हैं भरत खंड, पसरती त्रिलोक में जित होसी मुक्त ब्रह्मांड, अर्थात पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देगा ये वाणी। अब ये त्रिलोकी में पसरने वाली है। इस प्रकार दूसरी चौपाई बोलती है, बका न चौदह तबक में न पाया त्रिलोकी त्रिगुण, सहरग से भी नजीक दिखाइया ऐसा इत इल्मे किया रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अध्यात्म के स्वर्णिम पथ पर गमन करने वाले प्राणाधार श्री सुंदर साह जी, आज 21वीं सदी का 21वां वर्ष समापन की तरफ है, मात्र 12-13 दिन ही रह गए हैं। इस सदी के 22वें वर्ष के प्रारंभ होने से पहले समस्त संसार को श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ एक विशेष भेंट देने जा रहा है और वह है 108 भाषाओं में तारतम वाणी और बीते की व्याख्या। आज तक संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ का इतनी भाषाओं में अनुवाद नहीं हो पाया है। वेद का अनुवाद मात्र 5 भाषाओं में हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट 22 भाषाओं में, न्यू टेस्टामेंट 77 भाषाओं में,
गीता 75 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है, और जबकि कुरान 50 से अधिक कुछ भाषाओं में अनुवादित हो चुका है, किंतु ज्ञानपीठ की इस युवा टीम ने एक असंभव से लगने वाले कार्य को बहुत ही थोड़े समय में जो पूरा करके दिखाया है वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, और सारी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। आज सारा विश्व विनाश के दवानल में जलने के लिए तैयार बैठा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ऐसे समय में श्री प्राणनाथ जी की वाणी समस्त संसार को एक ऐसे आंगन में खड़ा कर देती है जहाँ से परमधाम या अक्षरातीत की प्राप्ति का मार्ग बहुत ही सरल हो जाता है। तारतम ज्ञान वह अमृत धारा है जिसमें डुबकी लगा लेने वाला स्वयं को धन धन मानता है, और वह सरलता से जान जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। यह संप्रदायों के दार्शनिक झिकझिक से दूर करके, कर्मकांडों की परिधि से अलग करके परमधाम और अक्षरातीत की प्राप्ति का सीधा सरल मार्ग बताती है। और ऐसे समय में यदि 108 भाषाओं में जिन सुंदर साथ के हाथों से उसका अनुवाद हुआ है वो निश्चित ही बहुत बड़ी शोभा के पात्र हैं। इस कार्य की विचारधारा सबसे पहले वेंकटेश जी ने रखी, श्रेयस जी ने दिन रात अथक प्रयास करके इसको संपादित किया, और उनके इस कार्य में सहयोगी बने ऑस्ट्रेलिया के आशीष जी, उनकी बेटी 18 वर्षीय अंगना, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के अशोक सचिदानंद, पुकार हिमांशु, शशांक और दीप्ति, इन्होंने इसके संशोधन कार्य में दिन रात अथक प्रयास किया है। और ये सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि आज से 16 वर्ष पहले जब श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी तो ज्ञानपीठ के ही 14 वर्ष के बच्चों ने कंप्यूटर पर टाइपिंग का कार्य प्रारंभ किया था, और आज वे आचार्य बन चुके हैं और इसके डाउनलोड करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्राणनाथ ज्ञानपीठ के साहित्य की शुरुआत हुई थी श्री अरुण मिड्ढा जी के 1 लाख की सेवा से, जो उन्होंने अपने धामवासी पिता श्री मदन मोहन मिड्ढा की स्मृति में दी थी। आज साहित्य का विशाल भंडार इतना हो गया कि अभी भी गोदाम में कम से कम नहीं तो 30 लाख से ऊपर का साहित्य पड़ा होगा, किंतु ये उपलब्धि अभी बहुत छोटी है। वैसे ही है जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा संसार है, संसार के अरबों मानवों तक परमधाम का जान पहचाने के लिए हमें बहुत ही कमर कसनी होगी। आज श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की वेबसाइट और यूट्यूब SPJIN से जो ज्ञान और भक्ति की शीतल मन सुगंधित हवा बह रही है उसकी स्थापना का श्रेय अनुज बेटा को जाता है, जिन्होंने प्रतिदिन कई वर्षों तक कई कई घंटे कार्य किया और एक आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए ज्ञान के प्रचार को एक नई दिशा दी। आज ज्ञानपीठ की युवा टीम इस कार्य में निरंतर संलग्न है कि उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाए। गूगल की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं, जैसे गूगल शब्दानुवाद तो करता है, भावानुवाद नहीं करता। वह सुंदर सात और धामधनी का वास्तविक भावानुवाद नहीं कर सकता है, उसमें हस्तक्षेप किए बिना शुद्ध आशय का स्पष्ट होना कठिन होता है। कोई भी कार्य किया जाए उसमें कोई ना कोई त्रुटि होनी स्वाभाविक है, इसलिए समय सुंदर साथ से निवेदन है कि गूगल के द्वारा 108 भाषाओं में होने वाले अनुवाद की त्रुटियों की तरफ सुंदर साथ ध्यान न दें, उस तथ्य को स्वीकार करें कि यह अनुवाद संसार की 108 भाषाओं में निजानंद के दार्शनिक तथ्यों को पूर्णतया स्पष्ट कर देगा। भाषाई सौंदर्य की कल्पना हम में यदि हम इस सत्य को झुठला देते हैं तो यह अनर्थकारी होगा। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जन जन तक श्री प्राणनाथ जी की वाणी को पहुंचाएं। एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा, आज शिक्षा और तकनीकी का युग है, संसार बहुत आगे जा चुका है। यदि हम मध्यकालीन रूढ़िवादिता से ग्रसित होंगे और केवल कंठी और तिलक का महत्व बताएंगे तो मानवता का कल्याण नहीं होगा। आज आवश्यकता है श्री प्राणनाथ जी के दार्शनिक तथ्यों को प्रकाशित करने की। निजानंद का दार्शनिक सिद्धांत क्या है उसको संसार में हम प्रकाशित करें। संसार यह जाने कि अक्षरातीत कौन है, प्राणनाथ कौन है,
वाणी की महिमा क्या है, चितवनी से क्या लाभ होगा। यदि हम चितवनी के पथ पर संसार को चलाएंगे तो संसार यहीं बैठे बैठे परम धाम को देखेगा, अक्षरातीत को देखेगा। ये विगत 10-15 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि कम से कम 50 करोड़ रुपए मंदिरों के निर्माण में खर्च किए गए हैं, नए नए मंदिर बने हैं। राजमहलों की तरह मंदिरों की सजावट में हम जो धनराशि खर्च कर रहे हैं, इस पर समाज के अग्रगण्य लोगों को विचार करना होगा। आज शिक्षा के युग में यदि हम ज्ञान के प्रचार से अवहेलना करते हैं, ज्ञान प्रचार से मुख मोड़ लेते हैं, केवल पर्यटन केंद्र के रूप में मंदिर को विकसित करें, राजमहलों की तरह सजावट करें, तो इससे मानवता का क्या भला होने वाला है। यदि 50 करोड़ रुपये में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दी गई होती जिसमें धार्मिक ग्रंथों के साथ वाणी और वित्त की उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती, तो अब तक सैकड़ों हजारों स्नातक निकल चुके होते और वो सारे देश विदेश में जगह जगह जाकर वाणी की गूंज करते। किंतु यदि हम मंदिरों के सौंदर्यीकरण को ही अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य मान लें, शिक्षा और चितवनी से सबका ध्यान हटा दें, तो इसमें क्या भला होने वाला है। मंदिर तो जन जागरण के केंद्र होने चाहिए, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने से हमारी आत्मा को कोई भी उपलब्धि होने वाली नहीं है। और यह ध्यान रखिए, वाणी तो कहती है अर्श दिल मोमिन के, हम क्यों नहीं हर हृदय को ही मंदिर का रूप दे दें। और इसके लिए आवश्यकता है कि ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन हो, ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश फैले। और इसीलिए प्राणनाथ ज्ञानपीठ ने 108 भाषाओं में ब्रह्मवाणी को अनुवादित करने का बीड़ा उठाया और आज हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि इसमें अधिक से अधिक शुद्धि कर दी जाए, ताकि संसार का हर व्यक्ति से लाभ उठाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। हो सकता है मेरी बातें सबको अच्छी ना लगें, लेकिन अंतरात्मा तो ये कहेगी कि हमारी पहली प्राथमिकता है ब्रह्मवाणी का प्रचार और चितवनी का प्रसार। और यदि हम इस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं तो इसमें सारी मानवता का कल्याण निहित है। इस कार्य में जिस युवा सुंदर साथ ने भाग लिया है, आशीष जी से लेकर उनकी बेटी श्रेयस, वेंकटेश, अशोक, सचिदानंद, हिमांशु, सबको भूरिसा बार बार धन्यवाद है। राज्य से प्रार्थना है कि इनके ऊपर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा करते रहें, ताकि ये दिन रात और अधिक मानवता को अपनी सेवाएं दे सकें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी संपूर्ण वाणी और वित्तक की हिंदी भाषा में ऑडियो उपलब्ध है। आप पूरी वाणी की टीका रात से क्यामत नमतक और संपूर्ण वित्तक की टीका को हिंदी भाषा में सुन सकते हैं। आने वाले समय में यह ऑडियो 40 भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगी, उस पर अभी काम निरंतर जारी है। इसके अतिरिक्त जो ज्ञानपीठ की वेबसाइट SPJIN है, उसमें जितने ग्रंथ डाले गए हैं उन सभी ग्रंथों को भी आने वाले समय में 108 भाषाओं में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आवश्यकता है कि देश का युवा सुंदर साथ ब्रह्मवाणी के प्रचार में कुछ त्याग की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। आप देखिए, आदि शंकराचार्य नंगे पांव चले थे केरला से, उनके पास कोई संसाधन नहीं था, केवल ज्ञान और तप का बल था। बुद्ध नंगे पांव चले थे, करतल भिक्षा करतल वासी उनके जीवन का लक्ष्य था। बुद्ध की मृत्यु भी जहर पीने से हुई। सत्य को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया था ऋषि दयानंद ने, उनको भी 14 बार विष पीना पड़ा। शंकराचार्य की भी मृत्यु विष से हुई। सत्य को फैलाने में कष्ट तो होता है, लेकिन आप सोचते हैं कि बिना सत्य को फैलाए हमारे जीवन का मूल्य भी क्या है। हम भौतिक चौकाचौंध में तो भागे जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि हमारा नैतिक उत्तरदायित्व क्या है। ब्रह्मवाणी के प्रचार के लिए आज समस्त युवा वर्ग को अपने त्याग और श्रद्धा को परिभाषित करना पड़ेगा, अपने त्याग और श्रद्धा उन्हें राज्य के चरणों में समर्पित करनी पड़ेगी। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में वाणी वित्तक के साथ साथ वेद, दर्शन और व्याकरण के भी विद्वान उपलब्ध हैं। जो भी सुंदर साथ या रिटायरमेंट हुए सुंदर साथ, चाहे युवा वर्ग हो, किशोर वह हो या वानप्रस्थ की तरफ कदम बढ़ाने वाले सुंदर साथ हो, 6 माह, 1, 2 या 3 वर्षों के लिए जो भी ज्ञानपीठ आना चाहते हैं, ज्ञानपीठ प्रेम भरे नेत्रों से उनकी बाट देख रहा है और सबका स्वागत है। ज्ञानपीठ समस्त संसार के लिए है
और मैं आशा करूंगा कि समाज के सभी अग्रगण्य जन संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर अपनी शक्ति को सकारात्मक दिशा में ले चलेंगे और जो 108 भाषाओं में ब्रह्मवाणी का रूपांतरण हुआ है, वेदों का रूपांतरण हुआ है, उसके दार्शनिक सिद्धांतों को, चाहे आपका कोई मित्र चाइनीज हो, फ्रांसीसी हो, जर्मन हो, रशियन हो, अरबी हो, फारसी का हो, तुर्क का हो, सब तक अपने संदेशों को फैला सकते हैं। अब युवा वर्ग को इसमें कमर कसनी होगी। मैं देश विदेश के सभी सुंदर साथ से ये विनम्र आग्रह करता हूँ कि अपने समय का कुछ भाग अवश्य निकालें जो ब्रह्मवाणी के प्रचार में सहयोग दे सके। आज से कुछ वर्ष पहले किसी चौपाई को खोजना होता था तो स्मरण शक्ति पर जोर देना पड़ता था, तारतमवाणी के पन्ने पलटने पड़ते थे, किंतु आज यह कार्य इतना सरल हो गया है कि मात्र एक मिनट के अंदर आप तारतमवाणी और बीतक की कोई भी चौपाई तो क्या किसी भी शब्द को कितनी बार वह आया है तुरंत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसकी ऑडियो भी सुन सकते हैं। अब हमारे ऊपर है, राज्य ने तो सारी आधुनिक तकनीक हमें दे दी है, ज्ञान दे दिया है, उस ज्ञान को हम कितना आत्मसात करते हैं और जन जन तक फैलाकर सबका कितना कल्याण करते हैं यह हमारे ऊपर है। हम कोई छोटा संप्रदाय चलाने के लिए नहीं आए हैं, हमें यह ध्यान देना होगा। वाणी कहती है, ये तो गत संसार की जो खींचा खींच करत अपन तो साथी धाम के है हमें नूर मत। हमारे पास जागृत बुद्धि के ज्ञान का उजाला है, हमें स्वयं को किसी सांप्रदायिक परिधि में नहीं बांधना है, क्योंकि संप्रदाय तो विवाद उत्पन्न करते हैं। हम सारे विश्व के लिए हैं, वाणी सारे ब्रह्मांड के लिए है, सबको कल्याण के मार्ग पर चलाना है। इससे सांप्रदायिक परिधि से परे होकर हम संकुचित भावनाओं को छोड़ें और सारे विश्व के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबके लिए तारतम वाणी का प्रकाश फैलाएं। इसी उद्देश्य 108 भाषाओं में ये कार्य किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि हर सुंदर साथ को ये जानकर खुशी होगी और यह संदेश सब में फैलाएं। 9 वर्ष के आगमन के प्रारंभ में, ईस्वी सन के 9 वर्ष का ये प्रारंभ होने जा रहा है मात्र कुछ दिनों के बाद, और मैं आशा करता हूँ कि जो भी इस समाचार को सुनेगा वो खुशी होगा। इस कार्य में सहयोग देने वाले हर सुंदर साथ पर राज्य की कृपा बरसे और मेरा प्रणाम। देश और विदेश के मेरे शिरोमणि और आदरणीय सुंदर साथ जी को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की स्थापना जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य के लिए की गई थी, वो बड़ी तीव्र गति से उस मार्ग पर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और ज्ञानपीठ का भविष्य उज्जवल है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने ज्ञानपीठ में प्रवेश लिया। हम जब ज्ञानपीठ की धर्मधरा पर पहुंचते तो इन छोटे छोटे बच्चों की तोतली और प्यारी प्यारी बातों को सुनकर मन हर्षित और प्रफुल्लित हो उठता। ज्ञानपीठ पर पहुंचने वाले सुंदर साथ के सामान को जिस प्रकार ये छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ कर अपने कमजोर कंधों पर उठाकर उनके कमरों तक पहुंचाते, वो मनोहारी दृश्य देखने योग्य होता था। दौड़ दौड़ कर प्रणाम जी कहते हुए ये हम सुंदर साथ के चरण स्पर्श करते और निस्संदेह ये इनके अंदर भारतीय संस्कृति का बीज आरोपण था। मैं आज भी वो दृश्य और वो शब्द याद कर रोमांचित हो उठता हूं, रोने लगता हूं। दादाजी आप अवश्य आया करो, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। समय पंख लगाकर उड़ा। ये बच्चे ज्ञान भी प्राप्त करते गए और बड़े भी होते गए और आज किशोर अवस्था को प्राप्त कर ये आचार्य बन चुके हैं और वाणी चर्चा द्वारा हमारे मंचों की शोभा बढ़ा रहे हैं। महिला जागृति मंडल वडोदरा में भी मेरी अनेक नौजवान बेटियों को ब्रह्मवाणी प्रचार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और हम आश्वस्त हैं
के निकट भविष्य में हमारे मंचों पर प्रचारक और प्रचारिकाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। साहित्य समाज का दर्पण है और धार्मिक साहित्य तो हमारी अंतरात्मा को जागृत कर हमारी निस्बत के तार हमारे प्राण प्रीतम से जोड़ देता है। ज्ञानपीठ ने विविध धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करने में तो एक नया इतिहास ही रच डाला और आज ज्ञानपीठ के पास जितना धार्मिक साहित्य उपलब्ध है, जितनी विशाल लाइब्रेरी उपलब्ध है, इतनी हमारे किसी भी दूसरे स्थान पे देखने को नहीं मिलेगी। अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने पूज्यपाद राजन स्वामी जी के धाम हृदय में विराज कर उनसे एक ऐसी क्रांतिकारी और महान सेवा ले ली है जिसकी हम सब कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा और मेरा मन खुशी से फूला नहीं समाता कि ब्रह्मवाणी के प्रकाशन के साथ इनका 108 भाषाओं में, जी हाँ, मैं 1, 2, या 5, 10 भाषाओं की बात नहीं कर रहा, पूरी 108 भाषाओं में इनका अनुवाद करवाया जा चुका है और आज हम सुंदर साथ अपनी अपनी मनचाही व मातृभाषा में घर बैठे वाणी को पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यदि किसी भी सुंदर साथ को संपूर्ण ब्रह्मवाणी और बीतक साहब की चौपाइयों में एक भी शब्द याद है तो वो उसे हिंदी में लिखकर सर्च कर सकते हैं और उन शब्दों से संबंधित सारी चौपाइयां भाव और टीका के साथ स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगी। ये कोई मामूली काम नहीं है। ज्ञानपीठ ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि निकट भविष्य में 40 भाषाओं में ऑडियो द्वारा आपको ये पूरी वाणी घर बैठे सुनने को मिले। अभी तक गूगल के माध्यम से ये केवल हिंदी में उपलब्ध है। वह स्वामी जी वाह, धाम धनी ने आप पर मेहर की बख्शिश की, आपको वाणी का भरपूर खजाना दिया और आपने भी खुले दिल से वो खजाना हम सुंदर साथ में लुटा दिया। हम में से जिसका जितना बड़ा दामन था वह उतना ही उसे आत्मसात कर सका। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल पाएंगे। हम आपके ऋणी हैं, हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम जानते हैं कि आपने कभी भी अपने आदर्शों और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और सुंदर साथ में अनुशासन को कभी टूटने भी नहीं दिया। इन महान सेवाओं के लिए हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ए मेरे समाज के नौजवानों, उठो, आगे बढ़ो, धाम धनी को दिए गए कौल को याद करो और स्वामी जी के इस आदेश का पालन करो कि चितवनी को अपने जीवन का आधार बना लो। आप धाम धनी को दिए गए कौल को याद करो और जागो अने जगाओ के शंखनाद को इतने ऊंचे स्वर से बजाओ कि चारों दिशाओं में ब्रह्मवाणी और ब्रह्मवाणी ही गूंज उठे। स्वामी जी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अब ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उनके कदम से कदम ताल मिलाते हुए वाणी के प्रचार और प्रसार में अपना सर्वस्व निछावर कर दें, अपना सर्वस्व निछावर कर दें, अपना सर्वस्व निछावर कर दें। और हम सबके लबों पर एक ही गीत होना चाहिए,
देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, हो जी देश देश लहराए श्री प्राणांतर की, श्री प्राणांतर की, श्री प्राणांतर की, श्री प्राणांतर की। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, सभी प्रेमी बंधुओं, भक्तजनों, आज मैं बहुत हर्ष के साथ आपको सूचित करना चाहता हूँ, ये जो ब्रह्मांड आदि अनादि से बनता मिटता आया है, ये उस मोह अज्ञान और भ्रम के सागर के थपेड़ों से प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये प्राणी जन्म जन्मांतर से पीड़ा, कष्ट, द्वंद, द्वेष, अहंकार का से प्रताड़ित रहते हैं, मर बनते हैं, मिटते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, चाहे वो मानव शरीर में हो, चाहे वो पशु शरीर में हो, हर कोई किसी न किसी प्रकार से कष्ट भोगता रहता है। और इसका आज तक कभी अखंड मोक्ष या अखंड मुक्ति नहीं मिली। ये तो सभी के प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद के दिल का लाड़ जो मेहर के रूप में प्रकट होती है अपनी आत्माओं पर, तो वो अपनी आत्माओं के साथ अपने आनंद अंग श्यामा जी के साथ इस ब्रह्मांड में, भारतवर्ष में अवतरित हुए श्री धनी देवचंद्र जी के तन में सन 1581 में। और सन 1618 में श्री मिहिर राज ठाकुर के तन में विराजमान आत्माओं के दिल में। और ऐसी अखंड वाणी दी जिसे तारतम ज्ञान, तारतम वाणी कहा जाता है। तारतम तम यानी अंधेरा, जो इस माया का अंधेर है उसके थपेड़ों से तार देते हैं, पार कर देते हैं। श्री कुलजुम स्वरूप, ये वो तारतम ज्ञान है जिसको हृदय से ग्रहण करके सभी मानव अखंड मुक्ति को प्राप्त होते हैं। श्री कुलजुम स्वरूप में जो सन 1691 तक अवतरित होती रही, उसके ज्ञान से अखंड परम धाम पर ब्रह्म के
स्वरूप की पहचान होती है, अपने स्वरूप की पहचान होती है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकि सब दुनी राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को, आए ब्रह्म आत्म सत। तो सभी प्रेमी जन यकीन कर लीजिए कि अक्षरातीत श्री प्राणनाथ अपनी आत्माओं को अपने दिल का सुख पहुंचाने के वास्ते और समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने के वास्ते इस संसार में प्रकट हुए। और आज वो अखंड मुक्ति धाम है श्री बुंदेलखंड मिने सुंदर श्री परना मिने श्री गुम्मट जी साहेब को स्वरूप। और उस श्री कुलजुम स्वरूप का टीका अर्थ और भावार्थ के साथ परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री राजन स्वामी जी ने श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर में स्थित सरसावां में इस ज्ञानपीठ की स्थापना की और वहां से श्री कुलजुम स्वरूप के ये 14 ग्रंथ रास प्रकाश खट ऋतु कलश सनंद खुलासा किरंतन खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार मार्फत सागर कयामतनामा इसकी अद्भुत टीका परमहंस सदगुरु राम रतन दास जी की कृपा से और हमारे परम श्रद्धेय सदगुरु सरकार श्री की अपार मेहर और प्रेरणा से श्री राजन स्वामी जी ने किया। और आज बहुत ही हर्ष के साथ मैं इस पूरे विश्व के भक्तजन प्रेमी जन और सुंदर साथ को ये बताना चाहता हूं कि श्री प्राणनाथ ज्ञान पीठ का ऑफिशियल वेबसाइट है SPJIN और उस पर अब आ चुका है विश्व के 109 भाषाओं में इसका टेक्स्ट और हिंदी में ऑडियो श्री कुलजुम स्वरूप और श्री बीतक साहेब मोमिनों की बीतक सुंदर सात की बीतक इसको विश्व के सभी प्राणी बिना किसी कठिनाई के अपनी भाषा में ग्रहण करके अखंड मुक्ति की राह पर चल सकते हैं। ऐसे सभी सुंदर साथ प्रेमी जन भक्त जन और मानव समुदाय के
चरणों में प्रणाम करते हुए इस सूचना का लाभ उठाएं और अखंड मुक्ति की राह पर चल निकले। प्रणाम जी। रणधार सुंदर साहब जी, सर्वप्रथम आपको मेरा प्रणाम। आज आप सभी को सूचित करते हुए मुझे बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आत्म जागृति के अपने मिशन में श्री प्रेरणा ज्ञानपीठ ने दो नए सोपान चढ़े हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज श्री प्रेरणा ज्ञानपीठ की वेबसाइट www.spjin.org पर दो नए एडिशनल फीचर्स को ऐड कर दिया गया है, जिसमें पहला फीचर है संपूर्ण वाणी और भीतर का डिजिटलाइजेशन, जिसकी सहायता से सुंदर साथ संपूर्ण वाणी और भीतर की किसी एक चौपाई, चौपाई के एक चरण या चौपाई के एक शब्द के माध्यम से न केवल उस चौपाई को ढूंढ पाएंगे बल्कि उस चौपाई के अर्थ और भावार्थ को सुन और पढ़ भी सकते हैं। दूसरा, संपूर्ण बीतक और वाणी की किसी चौपाई के एक शब्द को टाइप करने मात्र से उस शब्द की पूरी वाणी में जहां जहां भी आवृत्ति होगी उन सभी चौपाइयों का संकलन आपके सामने आ जाएगा। दूसरा है संपूर्ण वाणी और बीतक का 109 भाषाओं के अंदर गूगल ट्रांसलेट की मदद से अनुवाद, जिसकी वजह से देश विदेश के वो सुंदर साथ जो हिंदुस्तानी भाषा को पढ़ने में असमर्थ हैं उनके लिए भी आज के बाद से तारतम वाणी ग्राह्य होगी। वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया आज कम समय में अधिक लोगों के पास अपनी बात को पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। श्री प्रेरणा ज्ञानपीठ ने सोशल मीडिया के माध्यम से जागनी करने में पहले भी बहुत कार्य किया है, चाहे वो ज्ञानपीठ में स्टूडियो की स्थापना हो, इन हाउस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, या व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या जूम मीटिंग्स के माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। यह सारे कार्य पिछले कुछ वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन यह कार्य जो आज संपन्न हुआ यह कुछ विशेष था, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया कार्य है और मुझे लगता है कि संपूर्ण संप्रदायों में शायद हमारा ही पहला ऐसा संप्रदाय होगा जिसने पहली बार इतनी भाषाओं के अंदर गूगल ट्रांसलेट की सहायता से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपनी वाणी को अवेलेबल कराया है। और यह कार्य सरल नहीं था। श्री प्रेरणा ज्ञानपीठ श्री अक्षरातीत की मेहर, हमारे मार्गदर्शक, ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री राजन स्वामी जी का मार्गदर्शन और कुछ प्यारे सुंदर साथ, श्रेयस जी, वेंकटेश जी, श्रेयस जी की पत्नी, उनसे जुड़ी हुई टीम और ज्ञानपीठ के वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस कार्य के अंदर अपना सहयोग दिया, आज सभी बधाई के पात्र हैं। मैं अक्षरातीत से प्रार्थना करता हूँ कि अक्षरातीत इन पर अपनी मेहर और अधिक बरसाएं, ताकि भविष्य में भी इस तरह से ये सभी ज्ञान के प्रचार प्रसार में इस तरह से अपना सहयोग देते रहें। इसके अलावा पिछले 2 सालों से मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे सुंदर साथ हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जागनी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वह YouTube पर वीडियोस हों, चैनल्स के माध्यम से डिस्कशंस हों, चाहे Zoom मीटिंग्स हों, चाहे चर्चनी हो या चर्चा हो। इन सभी में बहुत से अधिक ऐसे नए सुंदर साथ आए हैं जो ज्ञान के क्षेत्र में वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि अक्षरातीत ने अपने इस पवित्र कार्य के लिए आपको चुना है, और मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आप लोगों के कार्य को जब भी मैं देखता हूँ तहे दिल से आपकी सराहना करता हूँ और आपके कार्यों को देख करके अपने आप को बहुत छोटा पाता हूँ। लेकिन इस प्रचार प्रसार के अंदर हमारे सामने बहुत बाधाएं भी हैं और बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। 2 प्रमुख चुनौतियां जिन्हें मैं सबसे बड़ा मानता हूं। पहली चुनौती है स्थानवाद और व्यक्तिवाद, और दूसरी चुनौती है पारस्परिक सुंदर साथ के अहम का टकराव। इन दोनों के कारण सामान्य सुंदर साथ गेहूं में घुन की तरह पिसा जाता है। आज समय की मांग है कि हम अपने अहम का विसर्जन करके अपनी संकुचित परिधि से बाहर निकलें, अपने हृदय को विशाल बनाएं और सभी का स्वागत खुले दिल से करें। जिस तरह एक खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आया हो, किसी भी गांव से आया हो या किसी भी राज्य से आया हो,
सारी भावनाएं गौण हो जाती हैं और उस समय केवल और केवल एक देश दिखाई देता है और देश का झंडा दिखाई देता है। उसी तरह जब वाणी के प्रचार प्रसार की बात आए तो हम व्यक्तिवाद को भूल जाएं, स्थानवाद को भूल जाएं और हम अपने संकुचित दायरे से बाहर निकलकर श्री प्राणनाथ जी के मिशन को अपना मिशन सोच करके इसके अंदर अपनी भूमिका को निभाएं। जब हम किसी व्यक्ति की धन से सहायता करते हैं तो थोड़े समय के लिए हम उसे सुख दे सकते हैं, लेकिन यदि ज्ञान के माध्यम से हमने किसी के जीवन में परिवर्तन लाया तो यह उसके लिए सबसे बड़ी भेंट होगी। और यकीन मानिए, यदि अपने संपूर्ण जीवन में हम एक भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला पाते हैं तो यह श्री प्राणनाथ जी के इस महान यज्ञ के अंदर हमारी एक छोटी सी आहुति भी पर्याप्त होगी। संपूर्ण वाणी और भीतर के अंदर जितनी ज्यादा अहम के विसर्जन को प्राथमिकता दी गई है, शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ हो जिसमें इन बातों पर इतना स्ट्रेस दिया गया हो। हम हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि हमसे पहले परमहंसों और हमारे आदि ने जिस प्रकार इस संसार के अंदर अपने जीवन को जिया है, हम भी उस रास्ते पर चलें। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः, कि जिस तरह एक तृण होता है, तृण से भी अधिक दीन और एक वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु, ये एक ब्रह्म मुनि की रहनी हो और यही हमें वाणी सिखा रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट श्रेयस जी एंड हिज टीम फॉर डूइंग दिस अमेजिंग वर्क। एंड सेकेंडली वंस अगेन आई इन्वाइट एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द सुंदर साथ, पर्टिकुलरली आर यूथ, to come together for this noble cause, to make this mission more impactful and more powerful. And in last, I pray to our beloved Shri Aksharateet, may his grace be with us, may his peace, his love be with us forever, may he keep showering his grace upon us. Glory to my love Shri Prananath ji, hail to our beloved Shri Prananath ji, Shri Prananath Vijayate, श्री प्राणनाथ प्यारी कीजिए। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी। जो वेबसाइट है spjn.org उसका ये अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें जो फैसिलिटी डाली गई है वो फैसिलिटी का डिटेल अपन इस वीडियो में देखेंगे। पहले अपन ने इसमें डाला है आई कंफर्ट। आई कम्फर्ट यानी जो उपता है सुंदर साथ, जो भी इस वेबसाइट को सर्च करेंगे उसको पढ़ने में आसानी हो, आंखों को तनाव ना हो रात को पढ़ने में, उसके लिए ये डाला गया है। इस बटन को क्लिक करेंगे तो ऐसे नाइट मोड ऑन हो जाएगा और आंखों को तनाव भी नहीं होगा। इस प्रकार इस बटन को वापस क्लिक करने से नॉर्मल मोड में आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए इवेंट है। इस पेज में सरसावा ज्ञानपीठ और उनकी शाखाओं में जो भी कार्यक्रम, भविष्य में जो कार्यक्रम होने वाले हैं वो सब कार्यक्रम की डिटेल, वो सब डिटेल्स इस पेज में डाली जाएंगी। सो सुंदर साथ और सभी ये डिटेल को देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए फीडबैक पेज, इस पेज पे सुंदर साथ के कोई भी राय हो या कोई प्रश्न हो या कोई सूचना, कुछ भी शिकायत हो तो आप इस पेज पे आपका नाम, ईमेल एड्रेस और आपका मैसेज टाइप करके हमें संपर्क कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन, इस फीचर से सभी सुंदर साथ अपनी ईमेल एड्रेस के द्वारा सब्सक्राइब करें तो भविष्य में जितने भी कोई भी सूचना हो ज्ञानपीठ से या पत्रिका वगैरह, कुछ भी न्यूज़लेटर्स है जो भी, वो सुंदर साथ को एक साथ भेजने में मदद रूप होगा। सो सभी सुंदर साथ को एक निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा
सुंदर साथ, ये सब ये SPJN वेबसाइट को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर साथ इस वेबसाइट से जुड़े। और आगे और एक फीचर यहाँ पे भाषा अनुवाद का है, तो सुंदर साथ जी ये ऑप्शन पूरे पेज को अपनी मन चुनित भाषा में सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गुजराती भाषा सिलेक्ट की है, तो ये पूरे पेज को गुजराती भाषा में अनुवाद करेगा। और ये फीचर ब्राउजर कंपैटिबल है, तो ब्राउजर के ऊपर भाग में या नीचे भाग में, दोनों में से कोई भी एक पोर्शन में आएगा, तो वहां से आप अपना मन चुनित भाषा सिलेक्ट करके पेज को ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हो। ये गुजराती में है और आगे अपन मराठी भाषा चुन के ये देखिए, ये पूरा पेज मराठी भाषा में अनुवाद हो गया। और एक अपन इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करके देखते हैं, तो वो इस प्रकार दिख रहा है। और विशेष एक सूचना कि ये ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट की जो फैसिलिटी दी गई है गूगल ने, उसको यूज करके ये ट्रांसलेशन हो रहा है। प्रणाम सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। श्री राज जी की असीम कृपा से, श्री राजन स्वामी जी के आशीर्वाद से, और वेंकटेश जी जो दक्षिण भारत तमिलनाडु से सुंदर साथ है, उनके विशेष मार्गदर्शन से और ज्ञानपीठ के छात्रों के परिश्रम के फलस्वरूप, आज हम सभी सुंदर साथ वाणी और बीतक की चौपाई या अर्थ को 109 भाषाओं में पढ़ सकेंगे और चौपाई या फिर अर्थ को हिंदी भाषा में सुन सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका सुंदर साथ किस तरह से उपयोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब सुंदर साथ आप सरसावा की वेबसाइट spjin.org को खोलेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है सर्च चौपाई। तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें आप पाएंगे कि इधर दो सर्च के ऑप्शन है, पहला वाला इधर और दूसरा वाला इधर नीचे की भाग। तो अभी एक के बाद एक समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो पहला भाग का सर्च आपको तब उपयोग में आएगा जब आप चाहते हो कि वाणी या वीतक की कोई भी ग्रंथ या फिर प्रकरण आप एक साथ पढ़ना चाहे। अभी उदाहरण के लिए, जैसे कि अभी किसी को रास ग्रंथ का चौथा प्रकरण पढ़ना हो, तो वो यहाँ ग्रंथ में से ऑप्शन रास चुनेगा और प्रकरण में चार चुनेगा और उसके बाद पढ़ें पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप पाएंगे कि प्रकरण वो चौपाई और उसके अर्थ आपको इस तरह से दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप निरंतर इस तरह से पढ़ते जा पाएंगे। और दूसरा उदाहरण के लिए देखते हैं कि अभी मान के चलिए किसी को प्रकाश गुजराती पूरी पढ़नी है, उसको सिर्फ चौथा प्रकरण नहीं बट सारे प्रकरण पढ़ने हैं, तो वो प्रकाश गुजराती चुनेगा और प्रकरण में सारे प्रकरण विकल्प चुनेगा और फिर पढ़े पे क्लिक करेगा। ठीक है,
तो जैसे ही पड़े पे क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए ये पूरी प्रकाश गुजराती जो है उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ऐसे हम उपयोग कर पाएंगे। और दूसरी चीज, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने सिर्फ 25 चौपाई पढ़ पाए हैं और यहाँ पे सुंदर साथ को ये भी ऑप्शन है कि भाई वो एक साथ कितनी चौपाइयां पढ़ना चाहिए, जैसे 50, 100, 250 जो भी हो वो चुन सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी देख पाएंगे कि देखिए अभी 43 पेज है तो 25-25 हर पेज में रहेंगे, तो उतनी सारी चौपाइयां इसमें है। ठीक है, तो अभी ये तो हुआ पहला। अभी दूसरा चीज, अभी मान के चलिए मुझे इस चौपाई को पढ़ के सुनना है हिंदी में। ठीक है, तो ये वाला बटन मैं इधर दबाऊंगा, आप इसका ऑडियो सुनिएगा। सास जी, यदि आप अपने मन में विचार करके देखें तो व्रज में तारतम ज्ञान का उजाला न होने से हमें प्रियतम और घर की पहचान नहीं थी, इसलिए हमें इस जागनी ब्रह्मांड में आना पड़ा है। जी, उसी तरह से आप चौपाई भी पढ़ पाएंगे। और अगर मान के चलिए आपने कुछ ऑडियो शुरू किया, ठीक है, अभी जैसे मैंने इधर शुरू करता हूँ और आप चाहते हैं कि उसको बीच में ही रोक दें तो स्टॉप ऑडियो बटन का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ किस तरह से हम लोग कोई भी ग्रंथ या फिर प्रकरण को पढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एक साथ सब सारे ग्रंथ यानी बीतक से लेके पूरे रास से क्यामत नामा तक सब कुछ पढ़ना चाहेंगे तो पूरा ग्रंथ चुने और सारे प्रकरण चुने और इसको जब पढ़े पे देखेंगे तो पूरे चौपाई अर्थ सहित निकल आएंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है, आप जो रिजल्ट आता है उसको आप शॉर्ट या फिर छाट सकेंगे, जिस तरह मतलब ग्रंथ के हिसाब से हो या प्रकरण के हिसाब से, चौपाई क्रमांक के हिसाब से या फिर चौपाई के हिसाब से, ताकि अगर जब 100 या 200 के आसपास आपको रिजल्ट निकल के आए तो आप आसानी से उन्हें छाट सके। ठीक है, ये तो हुआ पढ़ने की सुविधा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अगर मुझे दूसरी भाषा में पढ़नी हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए मुझे परिक्रमा ग्रंथ की सातवां या फिर चलिए 10वां प्रकरण लेते हैं, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला तो इधर आ गया। अभी अगर मैं चाहूं कि भाई इसके अर्थ को मुझे हिंदी भाषा नहीं आती है, मुझे कोई और भाषा में पढ़ना है, या फिर कोई सुंदर साथ जिसे हिंदी कुछ भी ना आती हो, तो सीधे पेज के निचले भाग या फिर ऊपले भाग में ये गूगल ट्रांसलेट का आइकन देखना है। ठीक है, तो ये ब्राउजर पे निर्भर होता है, कभी कभी गूगल ट्रांसलेट ऊपर के भाग में आएगा, कभी कभी नीचे आएगा। तो जो भी सुंदर साथ अपनी मनचाही भाषा यहाँ से चुन सकते हैं, जो कि यहाँ पे 108 उपलब्ध है। अभी उदाहरण के लिए मैं ले चलता हूँ, जैसे कि अभी हम गुजराती चुनते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि पूरा जो टेक्स्ट है वो गुजराती भाषा में हो जाएगा। देखिए देखिए, ये चौपाइयां हिंदी में रही पर उसका अर्थ जो है गुजराती में हो गया। अब उसी तरह से अभी मान के चलिए मुझे, ये तो एक ग्रंथ का उदाहरण हुआ, अभी जैसे फिर से हम ओरिजिनल पे जाते हैं। अब मान के चलिए सागर ग्रंथ है और मैं पूरे सागर ग्रंथ के 13वें प्रकरण को जो है हिंदी भाषा में नहीं पर अंग्रेजी में देखना चाहता हूं, तो गूगल ट्रांसलेट पे गए और इसको अंग्रेजी इंग्लिश जी इधर इंग्लिश चुना और ये देखिए ट्रांसलेट पे जैसे क्लिक किया तो ये पूरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया। और ये चौपाई जो है मूल चौपाई वो हिंदी में ही रहेगी, सिर्फ चौपाई का अर्थ जो है अंग्रेजी में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप जो भी भाषा चाहे वो चुन सकते हैं, यहाँ पे 109 भाषाएं उपलब्ध है। ठीक है, तो अभी अब एक उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कि चलिए ग्रंथ भी बदल देंगे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ पे हम जैसे चलिए सिंधी लेते हैं,
और सिंधी का हम जो है सारे प्रकरण ले लेते हैं। सिंधी का मुझे सारे प्रकरण पढ़ना है और वो भी अभी जैसे कि हिंदी में है और मैं चाहता हूं कि इसको कौन सा चुने, चलिए ले लेते हैं मलयालम। ठीक है, तो मलयालम पे क्लिक किया और इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया। ये देखिए पूरी चौपाई जो है, चौपाई का अर्थ मलयालम में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले भाग का उपयोग कर सकेंगे। और अगर आपको जैसे आप पढ़ते पढ़ते पूरे नीचे आ गए हो तो एक साथ ऊपर जाना हो तो इधर कोने में आपको लाल बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है तो आप सीधा वो आपको जो है ऊपरी भाग पे ले जाएगा। देखिए इस तरह से जी। ठीक है, तो जैसे आप सो ओरिजिनल करेंगे तो वो आपको हिंदी भाषा में फिर से दिखाई देगा। ठीक है सुंदर साथ जी, एक विशेष सूचना है कि ये जो भाषांतरण किया गया है ना वो तकनीकी सहायता से किया गया है, तो इसमें जो है कुछ ना कुछ त्रुटियां होने की संभावना बनी ही रहेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि यू नो इसे सकारात्मक मानसिकता से पढ़ें ताकि आप चौपाई के अर्थ या फिर उसके भावार्थ का सारांश ग्रहण कर सके। ठीक है जी, चलिए। और मैंने जो कुछ भी कहा उसका लिखित में इधर भी दिया गया है, तो आपको समझना है तो इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा भाग, दूसरा भाग यानी क्या, चलिए मैंने अभी इसको रिफ्रेश कर देता हूं ताकि हम दूसरे भाग पे जा सके। ठीक है, मैंने फिर से सर्च चौपाई पे क्लिक कर दिया जी। ये पहला भाग हमने देख लिया, अभी चलते हैं नीचे भाग। तो आपको ये भाग कब उपयोग में आएगा जी? अभी कभी कभी ऐसे होता है जो ज्यादातर प्रचारक होते हो या फिर जो चौपाई का गहन अध्ययन करते हो या फिर किसी को समझाते हो तो उन्हें पूरी चौपाई तो याद नहीं रहती है पर चौपाई के कुछ चरण याद रहते हैं या फिर एकाध दो शब्द याद रहते हैं, तो उन्हें बहुत कठिनाइयां होती है कि ये पूरी चौपाई कहाँ से ली गई होगी या फिर कौन से ग्रंथ से होगी या फिर कौन से प्रकरण से होगी या फिर किस चरण से या फिर क्या इस चौपाई का क्या क्रमांक होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि एक्चुअल में सही में चौपाई ये है कि अंतस्करण आत्म के जब यह रस्वमाए तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतर है। ठीक है, ये पूरी चौपाई है। अभी हम एक उदाहरण के लिए लेते हैं, मान के चलिए मुझे ये पूरी चौपाई याद नहीं है पर आत्म के सिर्फ ये दो शब्द जो है वो मुझे याद है। ठीक है, तो अब मैं इसको किस तरह से इन दो शब्दों की सहायता से मैं पूरी चौपाई को कैसे ढूंढ पाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हाँ आपको इस सर्च बॉक्स में हिंदी में लिखना होगा जो कि है यहाँ पे आत्म के। मोबाइल फोन उपयोगकर्ता वेबसाइट पे दिए हुए इस लिंक पर जो डाउनलोड करे लिखा है, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कीजिए ताकि आप जो है अंग्रेजी के शब्द को हिंदी भाषा में आसानी से परिवर्तित कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे हमारे पास जो भी लैपटॉप होते हैं या डेस्कटॉप कीबोर्ड होते हैं उस पे हिंदी भाषा तो होती नहीं है, तो अब सुंदर साथ कैसे करेंगे? तो अब देखिए ये जो सूचना में दिया गया है, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप उपयोग करता हो वो इस वेबसाइट में जा सकते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप जो है इधर जा पाएंगे। ठीक है, और जैसे कि मुझे देखना है कि भाई आत्म के मुझे वो दो शब्द चाहिए तो लिखूंगा आत्म स्पेस के। ठीक है, तो इनको मैंने यहां से कॉपी किया और इधर जाके पेस्ट कर लिया। तो देखिए ये पहली चौपाई आ गई, अंतस्करण आत्म के जब ए रहे समय तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर है। ठीक है, ये तो एक उदाहरण हो गया। अब आप ये भी देखेंगे कि निचले भाग में जो है इधर जैसे कि मैंने सिर्फ आत्म के लिख दिया, तो वाणी या बीतक की जो भी चौपाई के अंदर आत्म के ये दो शब्द है वो
यहाँ पे दिख रही होंगी, जैसे ये दूसरे है यहाँ पे भी आत्म के शब्द है, तीसरे में भी आत्म के शब्द है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप इनको भी ऐसे चुन पाएंगे। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपने जो शब्द दिए हों उनमें से ये चौपाई हो ही ना, वो कोई और ही चौपाई हो, तो उस वक्त आप क्या करें, सिर्फ यहाँ पे शब्द लिखे और ढूंढे पर सीधे क्लिक कर दें, देखे इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे ये आपको नीचे सर्च रिजल्ट आ जाएगा। तो जितनी भी चौपाइयों वाणी या बीतक के अंदर ये शब्द जो कि यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने लिया था आत्म के, तो ये देखिए ये वो सारी चौपाइयां आ गई जिनके अंदर आत्म के शब्द हो, ठीक है। तो जी आत्म के, आत्म के, आत्म के, देखिए, ठीक है। आप किने भी में भी देखेंगे आत्म के शब्द रहेंगे, ठीक है। अभी जैसे उदाहरण के लिए ये वाला ले लेते हैं सनंद के, ठीक है। तो इसको मैंने एक व्यू डिटेल लिख लिया, देखिए इसके अंदर देखिए दूसरे चरण में आत्म के जो शब्द है वो उपस्थित है, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ एक या दो शब्द सुंदर साथ को याद होने से वो ये सारी जानकारी ले पाएंगे कि भाई वो कौन से ग्रंथ से है, कौन से प्रकरण से है, उसका चौपाई क्रमांक क्या है, पूरी चौपाई क्या है और उसका अर्थ भी क्या है, वो भी जान पाएंगे। और अगर कोई सुंदर साथ इनको सुनना चाहे, भाई पढ़ना न हो, तो इधर प्ले ऑडियो पे क्लिक करना है तो उसी तरह से वो प्ले हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए बस थोड़ा सुना के दिखाता हूँ आपको। ये चौपाई सनंद ग्रंथ से ही गई है, इसका प्रकरण क्रमांक 42 है और चौपाई क्रमांक 1 है। ये चौपाई इस प्रकार है, प्रीतम मेरे प्राण के जी, ठीक है। मैंने स्टॉप ऑडियो पे क्लिक कर दिया ताकि हम आगे बढ़ सके। मान के चलिए कभी कभी ज्यादा क्या होता है कि आपको जो भी उसके वत्तक्षर हो या फिर कुछ शब्द जो जिसमें मात्राएं ज्यादा हो या फिर पूज्य ह्रस्व दीर्घ हो, तो आप कोशिश करें कि उन शब्दों का उपयोग कम से कम करें ताकि आपको टाइपिंग में आसानी हो।